हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे काली मिर्च के फ़ायदे और इसके नुकसान के बारे में। वैसे तो फ्रेंड्स, काली मिर्च का बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यदि हम बात करें तो इसे मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो ये बहुत ही गुणकारी जड़ी बूटी के रूप में काम करती है, जो कि कई तरीके की बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका थोड़ी मात्रा में सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और कई तरीके की बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस स्थिति में किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये उनके लिए समस्या पैदा कर सकता है। बड़ी मात्रा में यदि आप काली मिर्च का सेवन करते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में यदि आप इसका सेवन करते हैं, तो ये आपके पेट में जलन का कारण बन सकती है और पेट में जलन पैदा कर सकती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये काली मिर्च का अधिक सेवन करना आँखों में जलन भी पैदा कर सकती है, यानी कि आँखों में जलन की समस्या भी हो सकती है। काली मिर्च का बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में सेवन करना गर्भवती महिलाओं में गर्भपात की समस्या को पैदा कर सकता है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। 3 से 4 दाने इसका सेवन करना काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। फ्रेंड्स, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में काली मिर्च के सेवन से इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई बार इनसे एलर्जी भी पैदा हो सकती है। यदि आप नवजात शिशु के लिए मालिश कर रहे हैं तो उसके लिए काली मिर्च का प्रयोग ना करें। काली मिर्च का जो तेल होता है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मसाला होता है और ये थोड़ा सा चिपराहट भी होती है इसमें, जो कि आँखों और त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। इसके साथ ही स्किन में भी रैशेज जैसी समस्याएँ पैदा कर सकता है। काली मिर्च का अधिक सेवन करने से आपको सांस लेने में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन यदि हम बात करें कि किसी भी चीज़ का अगर आप बड़ी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह तो होता ही है, वैसे ही काली मिर्च का अधिक मात्रा में सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा बल्कि नुकसानदेह होगा। इसलिए थोड़ी मात्रा में ही इसका हमेशा सेवन किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।